अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि आपकी एक अच्छी सी जॉब लग जाए 50,000, वो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं करने वाला, ये आपको करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप बहुत लंबे टाइम से ट्राई कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं स्टेप टू स्टेप, लेकिन आपको अगर इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो आप समझिए कि आप क्या गलती कर रहे हैं और क्यों ये काम नहीं कर रहा। तो आज बात करेंगे इसी बारे में, शुरू करते हैं वीडियो। देखिए माय फ्रेंड, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, फॉलो करते हैं, लेकिन इसका बेनिफिट नहीं उठा पाते। आप पता है गलती कहां पर करते हैं? कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आप करते आ रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं। आपको सबसे पहले इस चीज को समझना जरूरी है कि ये कोई जादू नहीं है, है ना। अगर आप ये सोचते हैं कि आप एक मैट पर बैठ गए हैं और आप किसी को अपनी जिंदगी में लेकर आना चाहते हैं, उसका नाम जपेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, सोचते रहेंगे, खुश होते रहेंगे, वो इंसान आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये टेक्निक इस तरीके से काम करती है। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि आपकी एक अच्छी सी जॉब लग जाए 50,000 मंथली इनकम की, ठीक है। तो आप इस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सुबह शाम आप सोच रहे हैं, खुश हो रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं कि यार मेरी जॉब तो लग गई है, अब तो मैं 50,000 कमाता हूँ महीने की। ये चीजें आप बार बार सोच रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, लेकिन इसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि इसका रिजल्ट इस तरीके से नहीं मिलता। होता क्या है, जब आप इस बारे में सोचते हैं ना कि मेरी जॉब लग गई है, जॉब लग गई है, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक सिग्नल जाता है कि हाँ आपकी जॉब लग गई है। इस प्रोसीजर में आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट आना शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे आइडिया आपके दिमाग में आने लग जाते हैं कि वो जॉब जो 50,000 की आपने सोची है वो कैसे लग सकती है, कि यार ये काम कर लो, ये वाला कोर्स कर लो, ऐसा काम करो, ये वाली टेक्निक सीख लो। इस तरह के आइडियाज आपका सबकॉन्शियस माइंड आप तक भेजता है। आपको जो आपको आइडियाज आ रहे हैं दिमाग में, अचानक से फ्लैश हो रहे हैं, सोते सोते एक आइडिया आपको आ गया कि यार ये काम करूंगा ना तो इससे मेरी जॉब लग जाएगी, वो आइडिया पर आपको काम करना है। उन चीजों को आपको इग्नोर नहीं करना। बैठे बैठे आपको कुछ नहीं मिलने वाला, कोई जादू नहीं होता लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये चीज मैं आपको लास्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ, ये कोई मैजिक नहीं है, ये तरीके से काम करता है, ये साइंटिफिक प्रूवन है। जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ आइडिया दिमाग में फ्लैश कर रहा है, जो आइडिया फ्लैश कर रहा है उसको पिकअप करो और वो चीजें फॉलो करने की कोशिश करो। आपको एकदम से दिमाग में आया होगा कि यार मैं ये वाला कोर्स कर लेता हूं, वो कोर्स जब आप करोगे उसके बारे में पता करो, वो कोर्स सीखो। जब आप वो कोर्स सीखोगे ना, फिर उससे आपको हेल्प मिलेगी वो जॉब गेट करने में जो आप चाहते हैं, वो इनकम गेट करने में जो आप चाहते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको वो चीज डायरेक्टली लाकर नहीं देता, वो सिर्फ रास्ता दिखाता है कि उस जगह तक कैसे पहुंचना है, और आप उस रास्ते को इग्नोर करते हैं। आपको लगता है कि नहीं यार कुछ करना थोड़ा ही ना है, सिर्फ बैठना है ना, वो अपने आप हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इन अदर केस मान लीजिए कि आप प्रे कर रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके एक गर्लफ्रेंड है जो नाराज है, लेकिन अब वो आपकी वाइफ बन चुकी है, आप उसको वाइफ बनाना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो सिर्फ मैनिफेस्ट करने से नहीं होगा ना, जब आप सोचेंगे, आप सुबह शाम हैप्पी फील करेंगे, सोचेंगे ये सब कम हो रहा है, प्रेजेंट में सोचना शुरू करके सेलिब्रेट करेंगे, अपनी वाइफ की तरह उसको इमेजिन करेंगे, कुछ टाइम बाद आपके दिमाग में आइडियाज आएंगे कि क्या करूं कि गर्लफ्रेंड मान जाए। अचानक से एक आइडिया फ्लैश होगा कि यार ऐसा कर देना चाहिए, वो मान जाएगी, वो आइडिया एकदम आएगा और चला जाएगा। उस आइडिया को पकड़ के वो काम करना है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बताएगा कि उस नाराज गर्लफ्रेंड को कैसे मनाना है, वो मनाने का काम आपको करना पड़ेगा, वो आपका माइंड नहीं करने वाला, वो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं करने वाला, ये आपको करना है। आप मेहनत से बच जाएंगे, ऐसा नहीं होता।
आपको अपने हाथ पैर नहीं हिलाने पड़ेंगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ बैठे बैठे आपको सब मिल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। आइडियाज देना आपके माइंड का काम है। अब फॉर एग्जाम्पल इस चीज को आप समझिए कि मान लीजिए आपको एवरेस्ट की चोटी पर जाना है, आपका ये ड्रीम है कि मैं चढ़ूं, है ना, तो आप कैसे चढ़ेंगे? सिर्फ क्या मैनिफेस्ट करने से पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंचने वाले, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप पहुंचने की सोचेंगे ना कि आपने फतह कर लिया है, तो आप ये मैनिफेस्ट करें कि आप चोटी पर हैं, आपके हाथ में फ्लैग है और आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो नजारा आप इमेजिन कर रहे हैं, वो सब कीजिए। लेकिन इसके साथ में जब आप इमेजिन कर रहे होंगे ना, तो आपके दिमाग में आइडियाज आएंगे कि यार पता करो क्या क्या चीजें चाहिए होती है, तो वो आपको पता करना पड़ेगा। जब आप पता करने जाएंगे कि एवरेस्ट पर कैसे चढ़ा जाता है, कितनी कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे कैसे फेस करना होता है, कैसे ट्रेनिंग होती है, फिर आप इस चीज को मैनिफेस्ट करते रहेंगे, उस ट्रेनिंग की नॉलेज लेंगे खुद जाकर, कितना पैसा लगेगा। अब आप पे पैसा नहीं है लेकिन आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मुझे जाना है, जाना है, बहुत पैसा लगता है पहुंचने के लिए, पैसा नहीं है, मैनिफेस्ट हो रहा है, तो आपका दिमाग आइडिया देगा कि कैसे पैसे कलेक्ट करने। आपके दिमाग में अचानक से एक आइडिया आएगा कि ये काम करो उससे पैसा आएगा, तो वो काम आपको फॉलो करना पड़ेगा, वो आइडिया पे आपको काम करना पड़ेगा जो आपके दिमाग ने आपको सुझाया है, आपको बताया है। उस आइडिया को आप वर्क करेंगे, उस पर मेहनत करेंगे, तो धीरे धीरे आप पर पैसा कलेक्ट होगा, उस पैसे से आप ट्रेनिंग लेंगे, आप मैनिफेस्ट करते जाएंगे, वो मैनिफेस्ट करने के वजह से जो यूनिवर्स है आपको हेल्प करेगा, आपको सजेशन देगा, आपको वहां तक पहुंचाने के लिए जो जो जरूरत की चीजें हैं वो बताएगा, आपको एक रास्ता बताएगा, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालना है वो ट्रिक बताएगा, वो कहां आपको करना पड़ेगा। वो ये कुदरत नहीं करने वाली है, कुदरत सिर्फ हेल्प कर रही है, मेहनत तो आपको करनी है ना। आप भूखे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको समझ में आया, एक आइडिया आया कि वहां पर भंडारा हो रहा है, तो जाना आपको पड़ेगा ना भंडारे के पास। कुदरत ने ये किया कि आपको फ्री में खाना अवेलेबल करवा दिया, आप पे पैसा नहीं था, लेकिन वो खाना अपने मुंह तक ले जाना, वहां तक पहुंचने की मेहनत करना, ये आपका कॉल है। सो जो मैनिफेस्ट करते हुए आपके दिमाग में आइडियाज आ रहे हैं, उनको इग्नोर करना आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप जो गलती कर रहे हैं वो यही कि बस बैठ गए हैं, सुबह शाम सोच रहे हैं, खुश हो रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, और आपको लग रहा है अपने आप चीजें हो जाएंगी, अपने आप कुछ नहीं होता। ये कोई जादू नहीं है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मैनिफेस्ट करने से सिर्फ आपको आइडियाज मिलते हैं, उस जगह तक पहुंचने का रास्ता पता चलता है, चलना आपको पड़ता है। इन दोनों चीजों में डिफरेंस आप समझ लीजिए, वरना आप मैनिफेस्ट करते हुए रह जाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा, और अगर मिल भी गया तो वो आपकी किस्मत से बाय चांस बाय लक मिलेगा, और वो जो चीज आपको 2 साल में मिल सकती है वो मिलने में आपको 10 साल लग जाएंगे। इससे आपकी प्रोग्रेस नहीं होने वाली, आप अपना नुकसान करेंगे, क्योंकि आपने 10 साल सिर्फ मैनिफेस्ट करने में गुजार दिए, मेहनत नहीं की, तो ये आपका लॉस है, ये आपकी अचीवमेंट नहीं है, आपने कुछ सीखा नहीं, 10 साल बर्बाद करके रख लिए। सो क्या आप मैनिफेस्ट करते हुए उस आइडियाज पर जो आपको आ रहे हैं, जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, उन पर काम कर रहे हैं? अगर हाँ तो आप सही रास्ते पे हैं, बट आई एम श्योर कि अगर आपको इस मैनिफेस्ट करने का फायदा नहीं हुआ है, तो इसका मतलब बहुत क्लियर है कि आप सिर्फ सोच रहे हैं, आप कुछ कर नहीं रहे हैं, आप मेहनत नहीं कर रहे, आप एफर्ट्स नहीं दिखा रहे, और इसी वजह से आपको इस चीज का फायदा नहीं हो रहा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेनिफिट आपको इसी वजह से नहीं मिल रहा। सो अपने आइडियाज पे वर्क कीजिए, जो दिमाग में चल रहा है उसके बारे में सोचिए, उस पर काम कीजिए, हाथ पर हिलाइए, मेहनत करने से ही अल्टीमेटली चीजें मिलती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम सिर्फ आपको आइडिया देना है, कैसे पहुंचना है वो रास्ता दिखाना है।
वो रास्ते को कवर करने का काम आप खुद करेंगे, वो ये यूनिवर्स नहीं करने वाला। होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसके ऊपर डेफिनेटली मैं कोई वीडियो बनाऊंगी, आपको हेल्प हो पाए। इस वजह से स्टिल आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं किसी रिलेशनशिप इश्यूज के बारे में तो नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे साथ कॉल बुक कर सकते हैं जो कि पेड होगी। नाउ मुझे विदा दीजिए, बाय बाय, टेक केयर।